आपने द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और आप बार बार ये दम भर रहे हैं कि मैंने खर्च कम किया है, लेकिन 10 अगस्त को सीएजी की एक रिपोर्ट जो देश की संसद में टेबल की गई उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर ये कहा गया है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की लागत के लिए अनुमति दी थी उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च कर दिया एनएचएआई ने। ये सबसे बड़ा घोटाला है ये विपक्ष कह रहा है। आपने सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। मूलतः ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है ये 29 किलोमीटर का है ये डिस्टेंस। ये हाईवे को जो हमको अनुमति मिली, हमने जो कैबिनेट नोट भेजी थी उसमें नोट में लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 होंगी और उसमें से रिंग रोड और फ्लाईओवर की कॉस्ट एस्टिमेट डीपीआर बनने के बाद तय करेंगे। ये नोट में लिखा था जो सीएजी ने देखा, तो उन्होंने कहा 18.5 किलोमीटर जो है इसको आपने 250 करोड़ खर्चा किया। अब सबसे पहले मैं बताऊं द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। ये आपके बाजू में ये जो शादियां होती है शिव मूर्ति के बाजू में, इसको 8 लेन नीचे में टनल, इसमें 6 लेन टनल है और इसके जो टेंडर निकाले गए तो इसकी जो कॉस्ट थी हमारी 250 करोड़ नहीं थी, 206 करोड़ पर किलोमीटर जो सीएजी के हिसाब से। और हमारा पहला पैकेज 5 बिडर थे, 9% नीचे गया। दूसरा पैकेज 4 बिडर थे, 4.8% ज़्यादा गया। तीसरा पैकेज 12 बिडर थे, -25% 24/7% नीचे गया। पैकेज 4 8 बिडर थे, -8.1% हुआ। और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमने टोटल 12% कॉस्ट कम की है सिविल कंस्ट्रक्शन की। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो टू लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने सीएजी के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती ये होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। पर जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। और मुझे इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ के काम करने का मौका मिला। आप एक भी काम में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई कहे कि यहाँ करप्शन हुआ और इतना देना पड़ा तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है और टू लेन पेव शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो सीएजी ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर और दो लेन की तो 19 करोड़ आती है। और इसमें भी हमने 12% बचाया है। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आज तक आपने सब कुछ देखा होगा, आप लोग एक बार देखने के लिए आइए। इस प्रोजेक्ट में पहली बार देश में सिंगल पियर पर 8 लेन एलिवेटेड रोड है, पहली बार भारत का पहला 4 लेवल का इंटरचेंज इसमें है, ऐसे दो है। हाँ, इसमें 3 स्तरीय इंटरचेंज भी 3 है। 3.6 किलोमीटर की 8 लेन सुरंग है जो नीचे में पूरा रोड बनाई, जो विमान उतरता है ना हवाई जहाज उसके बाजू में पूरे नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, उसमें फ्लाईओवर और इसके साथ हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए ये एयर स्ट्रिप के नीचे से 2.4 किलोमीटर है, T3 पे आएगी और उधर वसंत विहार में जाएंगे। तो ये टनल वगैरह पकड़ के तो इसकी कॉस्ट तो सीएजी ने हमको सर्टिफिकेट देना चाहिए और ये तो बहुत जाती है। ये पहले उन्होंने केवल टू लेन पेव शोल्डर पकड़ा था, अब तो लेकिन रिपोर्ट टेबल हो गई। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसको समझता है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जिनको राजनीति करनी है वो बोल सकते हैं, लेकिन सीएजी तो राजनीति नहीं कर रहा। नहीं, सीएजी को जो मैंने कहा कि टू लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर वो हिसाब पकड़ा और एक्चुअल रोड द्वारका एक्सप्रेस से 563 किलोमीटर सिंगल लेन, यानी डबल लेन हो गया 231 किलोमीटर। अब उन्होंने जो 29 किलोमीटर पकड़ा और हमने 231 किलोमीटर किया तो कॉस्ट में फर्क है। हमारी कॉस्ट थी 206 करोड़ और हमने 12% लोअर जाके हुआ है, उसमें टनल है और इसमें सीएजी ने टनल नहीं पकड़ी थी।
6 किलोमीटर तो टनल है, इसमें फ्लाईओवर है, 3-3 मंजिलों के एक्सचेंज है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे दिल्ली में मैं 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूं, पर मैं आपको आज बता रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अभी 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा। 3-4 महीने? हाँ, और ये दिल्ली के लोग जब उसमें से जाएंगे तो जैसे मुझे मुंबई में लोग, अभी तो मैं मुंबई भूल गया हूँ, पर वर्ली बांद्रा सी लिंक के कारण और 55 फ्लाईओवर के कारण मुंबई नहीं भूली, वैसे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण आप 100 साल तक भूल नहीं सकोगे। इतना सुंदर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना है, आप जरूर देखने के लिए जाइए, पूरा हुआ है, पत्रकार भी जाइए, उसके ऊपर कार्यक्रम करिए, और हमारी कोई भी गलती होगी तो कोई संकोच न करते हुए पूरा आप जितने हमको ठोकना है उतना ठोकने की अनुमति आपको, कोई एक रुपए की भी गड़बड़ होगी आप जो कहेंगे वो आपके सजा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।